की नाकुड़ विधानसभा सीट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीट पर राजनीतिक दलों ने खोज खोज कर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। यहाँ की जनता इस बार किसके पक्ष में वोट करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यहीं की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट पर जंग इतनी रोचक है कि ये उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। यहाँ मुकाबला बेहद रोचक है क्योंकि यहाँ बीजेपी से मुकाबले के लिए वो प्रत्याशी मैदान में हैं जो खुद कभी बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की, जो बीजेपी का साथ छोड़ अब साइकिल पर सवार हैं और चुनावी रेस में भागम भाग कर रहे हैं। राजनीतिक सफर। बसपा से 2002 व 2007 में सरसावा सीट से विधायक बने, 2012 में तीसरी बार बसपा से विधायक बने, 2017 में बीजेपी के टिकट पर चौथी बार विधायक बने, जिसके बाद योगी सरकार में आयुष मंत्री बने, 2022 में सपा के टिकट पर पांचवी बार रण में डटे। सपा से धर्म सिंह सैनी का मुकाबला इस बार बीजेपी से मुकेश चौधरी, बसपा के साहिल खान और कांग्रेस के रणधीर सिंह से है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और दूसरे चरण के दिग्गज की आखिरी स्टोरी रामपुर से ही है। रामपुर की बिलासपुर विधानसभा सीट बहुत अहम है। पिछले चार विधानसभा चुनाव में यहां दो बार कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि एक एक बार समाजवादी पार्टी और भाजपा का उम्मीदवार विधानसभा पहुंचा, यानी वो जीता है। बिलासपुर विधानसभा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाली विधानसभा है। यहाँ सिख समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, इसी कारण 2017 में भाजपा के सिख उम्मीदवार ने 10 सालों से जीत रही कांग्रेस को यहाँ पटकनी दे दी। इसी तर्ज पर 22 में एक बार फिर दोनों मजबूत पार्टियों ने अपने सिख उम्मीदवारों को मुकाबले में उतार दिया है। रामपुर जिले में आने वाली बिलासपुर विधानसभा से योगी सरकार से एकमात्र सिख मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में हैं। बलदेव सिंह औलख उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। 2017 में इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बिलासपुर की विधानसभा सीट भी अब हॉट सीट मानी जा रही है। ये हॉट सीट इसलिए कि यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से बलदेव सिंह औलख पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही कमान संभालने का मौका दिया। अब ये मौके पर चौका लगाएंगे, छक्का लेंगे या रन लेकर वापस आ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी ने बलदेव सिंह औलख पर दांव लगाया है तो सपा से अमरजीत सिंह, बसपा ने राम अवतार कश्यप और कांग्रेस ने संजय कपूर को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल कांटे की टक्कर है और ये टक्कर कांग्रेस के संजय कपूर से है, तो कांग्रेस के संजय कपूर इस बार बलदेव सिंह औलख को टक्कर देंगे या फिर बलदेव सिंह औलख बिना रुके आगे बढ़कर एक बार दोबारा से इसी विधानसभा में कमल खिलाएंगे। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर।